बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल एट होम। ऑन द बिहाफ ऑफ डॉक्टर ए क्यू खान स्कूल सिस्टम बनीगाला कैंपस, आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन फिफ्थ लेक्चर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान फॉर ग्रेड 7। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ ब्रिंक योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 56। ओके, in our previous lecture we had discussed about ibn battuta and ibn al biruni, okay, and today we are going to continue our chapter number 12 and we will discuss about more scientists, philosophers and travelers. Okay, today our first philosopher is ibn rushd. लिसन केयरफुली। अब्दुल वलीद मोहम्मद इबन अहमद इबन मोहम्मद इबन रुशद, मोर कॉमनली नोन बाई हिज लास्ट नेम इबन रुशद, वॉज बर्न इन कॉर्डोबा। ही वॉज इंट्रोड्यूस टू द कोर्ट ऑफ द अल मुवाहिद्स एंड अपॉइंटेड एज ए काजी जज इन सिविल। ही हैड स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स as education in those days was more comprehensive. As a result, he was well versed in law and also served as a physician. But Ibn Rushd's main contribution was to philosophy, and his treatise on the work of the Greek philosophers Aristotle made him an authority on the subject. Ibn Rushd's writings on Greek philosophy were translated and used by European thinkers of the Renaissance. Okay, Ibn Rushd कौन थे? Ibn Rushd के जो नाम बताए गए हैं ये अपने आखिरी नाम यानी Ibn Rushd के नाम से मतलब commonly आमतौर पर जाने जाते थे, और वो कॉर्डोबा में पैदा हुए थे। कॉर्डोबा यानी सिटी इन स्पेन, स्पेन का एक सिटी है कॉर्डोबा, वहाँ में पैदा हुए थे। इसके बाद अल मुवाहिद के कोर्ट में ये काजी मुकर्रर हुए और स्पेन के शहर सिविल में जज के ओहदे पर मुकर्रर हुए थे। उन्होंने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में मतलब महारत हासिल की थी ना, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स इन्होंने पढ़ी थी, लॉ भी पढ़ी थी, और एक डॉक्टर भी थे यानी फिजिशियन मतलब डॉक्टर भी थे ये अपने ज़माने के, और वो एक बड़े फिलोसोफर भी थे, फिलोसोफर मींस थिंकर भी थे। अपने ज़माने के जो अहम फिलोसोफर हैं एरिस्टोटल के साथ भी इनका नाम गिना जाता है, और यानी 16वीं सदी में इनकी जो ग्रीक फिलॉसफी है यानी राइटर्स इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया ग्रीक फिलॉसफी को, और इनका इनसे काम लिया गया, और इस जो इनका ट्रांसलेट हुआ फिर उससे ही काम लिया गया था। ओके, यानी ये एक फिजिशियन भी थे, ये एक फिलॉसफर भी थे, तो इन राइटर भी थे। इसके बाद हमारे पास है इब्न सीना। इब्न सीना का जो टाइम पीरियड था वो 982-1037 तक था। अबू अली हुसैन इब्न अब्दुल्ला इब्न सीना केम फ्रॉम बुखारा। ही वॉज ए फिलोसोफर, ए फिजिशियन एंड इम्पॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी ऑफ हिज टाइम, ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। इब्न सीना मेमोराइज द कुरान एट एन अर्ली एज एंड देन वेन ऑन टू मास्टर लॉजिक मैथमेटिशंस मैथमेटिक्स फिलोसफी एंड मेडिसिन। इब्न सीनास मेन कंट्रीब्यूशन वॉज टू मेडिसिन एंड हिज वर्क कैनॉन्स ऑफ मेडिसिन कानून अल शिफा बिकेम इन यूरोप द बेसिस ऑफ टीचिंग मेडिसिन टिल द 17th सेंचुरी। इब्न सीनास राइटिंग्स ऑन फिलोसफी आल्सो ब्रॉट हिम फेम। He traveled widely in Persia and died in Hamadan in 1037. इब्न सीना कौन थे? अबू अली हुसैन इब्न अब्दुल्ला इब्न सीना बुखारा में पैदा हुए, ये सब इन्हीं के नाम थे और ये इब्न सीना के नाम से जाने जाते थे, इनके और भी नाम थे। ये क्या हुए, बुखारा में पैदा हुए, हाँ जी,
और क्या थे ये? एक फ़िलोसफी थे, एक फिजिशियन यानी डॉक्टर थे। अपने ज़माने के नामवर अक्लमंदों में इनका शुमार होता था। नहायत ही काबिल स्टूडेंट थे। इन्होंने छोटे ही उम्र में कुरान हिफ्ज़ किया, फिर इसके बाद दुनियावी इल्म हासिल की। नहायत ही काबिल फिजिशियन यानी डॉक्टर थे। इनकी एक मशहूर किताब कानून अल शिफा यानी मेडिसिन के फील्ड में एक ज़बरदस्त यानी मदद की सूरत में इस्तेमाल किया गया था, जिसे हम कैनोन्स ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। और 17 सेंचुरी में यूरोप में एक मास्टरपीस था, मतलब वो अपने फिलॉसफी के लिए भी मशहूर थे। उन्होंने पार्शिया में बहुत सफ़र किए और इनका वफात 1037 यानी 37 में इनका वफात हुआ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इब्ने खलदून, 1332 टू 1406। अब्दुल रहमान इब्ने मोहम्मद इब्ने खलदून, हु लिव फ्रॉम 1332 टू 1406, इज़ नोन एज द फादर ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। बॉर्न इन टूनिसिया, इब्ने खलदून ग्रेव अप टू क्वाइट ए टर्बुलेंट लाइफ। ही सर्व एट द रॉयल कोर्ट इन फेज मोरक्को एंड देन वेंट टू ग्रेनाडा। एंड कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 58। एंड इवेंचुअली बैक टू नॉर्थ अफ्रीका। ही आल्सो सर्व एज ग्रैंड काजी चीफ जस्टिस इन साइरो। ही वॉज ट्रैप्ड इन दमास्कस when the city was attacked by Timur, who allowed him to return to Cairo as unusual event, as many people were killed during this battle. Ibn Khaldun was a shrewd. Ibn Khaldun was a shrewd observer of human nature and the development of people and civilizations. He can also be called the father of sociology for his study and observations on groups of people. The Muqaddimah, introduction to the Kitabul Abar, written by him, is an immortal masterpiece on history and the rise and fall of civilization. Ibn Khaldun died in Egypt. Okay, Ibn Khaldun कौन थे? अब्दुल रहमान इब्ने मोहम्मद इब्ने खलदून, यानी इनको फादर ऑफ हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता था। ये तुनिसिया में पैदा हुए थे। इन्होंने बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजारी और रॉयल कोर्ट में ये मतलब इन्होंने काफ़ी खिदमात सर अंजाम दिए। फिर नॉर्थ अफ्रीका भी गए और साइरो में भी चीफ जस्टिस रहे हैं ये। जब तैमूरियों ने दमास्कोस पर हमला किया तो इनको गिरफ़्तार किया गया और उस जंग में बहुत से लोगों की जान चली गई, बहुत से लोग मारे गए। इन्हें यानी फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। सोशियोलॉजी मींस स्टडी ऑफ सोशल, क्योंकि इनकी स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन जो थी, जो इनकी मतलब जो ये स्टडी करते थे और ये जो ऑब्जर्व करते थे, वो बहुत ही अच्छी थी। इनकी मशहूर किताब का नाम किताबुल अबर है, यानी ये किताब इन्होंने लिखी और आखिर में ये इजिप्ट में वफात पा गए। नेक्स्ट हमारे पास है अल ख्वारज्मी, डाइट 840। मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारज्मी वाज ए फेमस मैथमेटिशियन हु वाज बोर्न इन ख्वारज्म इन पार्शिया। ही एस्टैब्लिश द इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम एंड द यूज़ ऑफ जीरो इन मैथमेटिक्स। His fame rests on his work Al Maqala fi Hisab Al Jabr wal Maqabala, from which the word algebra is derived, and on his mathematical calculations which are named after him, Al Algorithms. Al Khwarizmi also worked on astronomy and geography and made sundials and astrolabes. He died in 840. ओके, अल ख्वारज्मी कौन थे? यानी मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारज्मी, ये भी एक मशहूर मैथमेटिशियंस थे। और ये कहाँ? ख्वारज्म में पैदा हुए थे, यानी पार्शिया के एक सिटी में ख्वारज्म में पैदा हुए थे। इन्होंने हिंदुस्तानी जो हिंदसे हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया नंबर्स को, और रियाजी में जो ज़ीरो का इस्तेमाल है वो भी इन्होंने बताया।
इनकी मशहूर किताब का नाम अल मकाला फी हिसाब यानी अलजबर वल मकाबला यानी इनका एक मशहूर किताब है, जहाँ जहाँ से लफ्ज़ अलजबरा निकला, अलजबरा जिस किताब से निकला लफ्ज़ अलजबरा, और बाद में इसको अलगोरिदम का नाम दिया गया, जो कि मतलब इनको अलजबरा था इसलिए इनको अलगोरिदम का नाम दिया गया, और वहाँ यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी डिराइव की गई, क्योंकि एक मैथमेटिशियन से इन्होंने मैथमेटिक्स के फील्ड में काम किया था। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी में भी काम किया और सन डायल्स और एस्ट्रोलेब्स बनाए, और ये कब वफात पा गए, यानी 840 को ये वफात पा गए। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज यानी लास्ट पेज। ओके, द लास्ट वन इज़ उमर अल खयाम, 1048 to 1125। उमर खयाम एज ही इज़ पॉपुलरली नॉन वॉज ऑफ पार्शियन ओरिजिन। हिज नेम खयाम एक्चुअली मीन्स टेंट मेकर। ही बिकम फेमस लेटर फॉर हिज रुबायात और क्वाट्रेन फोर लाइन्स स्टेंजाज। ए वेरी वेल नोन रुबाइस इज कोटेड बिलो। द मूविंग फिंगर राइट्स एंड हैविंग रिट मूव्स ऑन नर ऑल दे पाइटी नर विट शल लर इट बैक टू कैंसिल हाफ ए लाइन नर ऑल दे टीयर्स वॉश आउट ए वर्ड ऑफ इट। ओके, ये इनका स्टेंजा था। खयाम्स इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी हाउ एवर इज लेस नॉन। ही रीफॉर्म द पार्शियन सोलर कैलेंडर एंड री नेम्ड इट एज द जलाली कैलेंडर आफ्टर द रूलर ऑफ दैट टाइम। दिस कैलेंडर इज़ बिलीव टू बी मोर एक्यूरेट इन इट्स एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन देन द ग्रीगोरियन कैलेंडर विद अ डिफरेंस ऑफ ओनली वन डे इन 3770 ईयर्स। लर्निंग अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ दिस रिमार्केबल मैन इन वेरियस फील्ड ऑफ नॉलेज वी सी दैट दे लिव्ड इन अ पीरियड ऑफ मुस्लिम हिस्ट्री व्हेन द मुस्लिम नेशन वॉर इज स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट्स एंड रूलर्स टू सपोर्ट एंड फाइनेंस साइंटिस्ट फिलोसफर्स एंड मैन ऑफ नॉलेज रिजल्टिंग इन अ डिवेलप्ड सिविलाइजेशन। ओके, लास्ट में हमारे पास कौन है, उमर अल खयाम, जो कि 1048 में मतलब से लेके 1125 तक का इनका टाइम पीरियड था। ये भी बहुत ही बड़े फिलोसफी थे, और इनके नाम का मतलब जो है यानी टेंट मेकर यानी खेमे बनाने वाले इनका नाम था, इनके नाम का मतलब है। इन्होंने भी मकबूलियत देर से हासिल की क्वाट्रेन यानी रुबाइयात। इन्होंने पोइट्री के चार लाइंस वाले फिक्र इंट्रोड्यूस करवाए थे, जो कि स्टेंजा यहाँ पे गिवन है। और इसके बाद क्या है, ये मैथमेटिशियंस थे यानी, और एस्ट्रोनॉमी पे भी इनका बड़ा हिस्सा था, और पार्शियन इस जो सोलर कैलेंडर है वो इन्होंने बनाया, और इनका नाम इन्होंने जलाली कैलेंडर इनका नाम रखा, क्योंकि उस वक्त के बादशाह का नाम जलाली था, उसके नाम से ही इन्होंने रिलेट करके इस कैलेंडर का नाम क्या रखा, जलाली कैलेंडर। इस कैलेंडर को दुरुस्त समझा जाता था पहले जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उससे। इन दोनों में जो डिफरेंस था ना वो सिर्फ क्या था, मतलब वन डे का डिफरेंस था इन दो कैलेंडर्स में, इसलिए इसको जो जलाली कैलेंडर है इसको दुरुस्त समझा जाता था। ओके, इन मतलब अहम शख्सियत के कारनामों को देखकर बताया जाता है कि ये क्या हैं। जब 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 ये लोग थे तब के मुसलमान एक मजबूत कौम थे, इल्म व हिकमत से बड़े काम सर अंजाम देते थे ये, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी फिलॉसफी और साइंटिस्ट को सपोर्ट करे जो कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। ओके, ये हमारे पास थे क्या थे, साइंटिस्ट फिलॉसफर और जो ट्रेवलर्स गुजरे हैं मतलब पिछले ज़माने में, उनका इनकी हिस्ट्री हमें बताई जा रही थी कि वो कितने मशहूर लोग थे, कितने काबिल लोग थे, क्या क्या काम उन्होंने किया था। ओके, कम टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज़। वी हैव ऑलरेडी डन टू क्वेश्चन इन आवर प्रीवियस लेक्चर एंड यू हैव टू
राइट. नंबर क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5. ओके. क्वेश्चन नंबर 3, राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अल ख्वारिज्म्स वर्क. हाउ डिड दिस हेल्प लेटर साइंटिस्ट एंड स्कॉलर. आंसर, अल ख्वारिज्मी वॉज ए फेमस मैथमेटिशियंस एंड ही इस्टेब्लिश द इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम एंड द यूज ऑफ जीरो इन मैथमेटिक्स. फ्रॉम हिज बुक द अलजबरा इज डिराइव्ड एंड ऑल्सो ऑन हिज मैथमेटिकल कैलकुलेशंस विच आर नेम्ड आफ्टर हिम अलगोरिदम्स. ऑल द लेटर साइंटिस्ट एंड स्कॉलर आर बेनिफिटेड विद हिज वर्क. ओके. क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 इज फॉर योर होमवर्क. डू इट इन योर ऑन. ओके. एट द लास्ट पेज देयर आर सम वर्ड्स एंड मीनिंग. प्लीज नोट डाउन दीज वर्ड्स मीनिंग्स एंड लास्ट 3 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 इन एनी लोज शीट. ओके. इट्स ऑल फॉर टुडे. If you have any kind of issue, then you can contact us on our school number or WhatsApp number. Okay, thank you, students. Allah Hafiz.